hello students once again i welcome you all in new video and students today we are going to continue uh, our studies with the next topic and today's next topic is the type of cross okay so first is the we can say out cross okay uh, we can say firstly the back cross back cross देन आउट क्रॉस देन बच्चों टेस्ट क्रॉस ठीक है तो इतने सारे क्रॉस आपको आज हम पढ़ाने चल रहे हैं तो आप जैसे कि जानते हैं कि मेंडल का लॉ में जैसे इन्होंने क्या किया था बच्चों ये एक, एक ले लेते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लेते हैं बच्चों यहाँ पे देखा टॉल प्लांट था फिर क्या था ये डॉर्फ प्लांट था टॉल प्लांट बच्चों ये कैपिटल टी कैपिटल टी था स्मॉल टी स्मॉल टी था ठीक है गैमिट बच्चे जो बने थे यहाँ पे, तो कैपिटल टी हो गया यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल टी हो गया ठीक है और इसके बाद फिर देखिए दोनों के बच्चों क्या किया कि क्रॉस कर दिया था तो क्रॉस करने पर जो बना था ये देखो आप कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या था जो ऑल टॉल प्लांट ऑल टॉल प्लांट बन गए ना अब देखिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि जैसे आप इस इस जो ये एफ वन जनरेसन के प्लांट हैं एफ वन जनरेशन का प्लांट है अगर इनका भाई ये भी प्लांट तो रहेंगे ही भाई ये ये बने हैं फिर जायगोट में रहे होंगे ये फिर जायगोट में बच्चों तो सीट के अंदर रहता है ना इमरियो बन के तो फिर उसको सोइंग करा दी और सोइंग कराने के बाद इस प्लांट को ये जो प्लांट हुआ मान लीजिए ये प्लांट हो गया ये ठीक है ठीक है सपोज ये पी प्लांट हो गया तो बच्चों अब ये सीड इस टॉल प्लांट का भी सीड तो अवेलेबल नहीं होगा उस जनरेशन का रहा ही होगा बच्चों ना ये तो कौन सी जनरेशन होगी ये ये क्या होगा ये पी जनरेशन ये क्या हो गया पेरेंटल जनरेशन तो मान लीजिए इसका सीट बचा रहा होगा ठीक है इस सीट के भी बच्चों क्या सोइंग करा दी सोइंग करा दी तो क्या होगा या कुछ प्र... कुछ प्लांट तो यहाँ भी दे सकते हैं बच्चों ऐसे रहा होगा मान लीजिए ठीक है तो ये क्या किया इन्होंने यहाँ पे एक फ्लार बना दिया हमने ऐसे मानिए कि ये इस तरह का ये फ्लार हो गया अब बच्चों क्या किया इसके भी सेम वही हो रहे होंगे इसके भी सीट बचा के रखे थे उन्होंने तो यहाँ भी बच्चों क्या हो गई ये ये ऐसे देखो ठीक है अब अगर इस टॉल प्लांट का टॉल प्लांट जो था इसमें फ्लावरिंग होकर शुरू कर दी तो अगर इसका दोनों का क्रॉस कराएं चाहे इसका इसका इसके साथ क्रॉस कराएं ठीक है तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस ठीक है क्या बोलते हैं बैक क्रॉस तो बैक क्रॉस में क्या सकते हैं कि आप अपने से बना लीजिएगा वेन पॉनेशन या क्रॉस ठीक है डन बिटवीन द बिटवीन ईदर प्लांट आप वेन क्रॉस इज डन बिटवीन एफोन जनरेशन प्लांट एफोन जनरेशन प्लांट विथ ईदर टॉल प्लांट या डोमिनेंट प्लांट और रिसेसिव प्लांट ठीक है या टॉल प्लांट और डॉर प्लांट ठीक है तो इसका इसके साथ करना चाहिए इसके साथ बच्चों बैक ले जा रहे हैं ना बैक जनरेशन के सीड रखे तो उनके साथ करा रहे हैं मंडल साहब तो ये क्या होता है ये बैक क्रॉस तो आप यहां कर सकते हैं एफ वन ठीक है आप इसको कर सकते हैं टॉल या डॉल्फ पी जनरेशन ठीक है बच्चों समझा आया अब बच्चों क्या होता है ये आउट क्रॉस की बात करते हैं ठीक है देखिए सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं कोई बहुत नई चीज़ नहीं बताएंगे आपको ठीक है ना कि कुछ अलग बता देंगे इस वीडियो में आपको हम तो दूसरा बच्चों आउट क्रॉस क्या होता है अगर F1 जनरेशन का मल्टी का क्रॉस कराएंगे केवल इस टॉल प्लांट के साथ टॉल प्लांट के साथ तो बच्चों ये क्या होता है ये ये देखें F1, ठीक है इसको एफ वन साइज लिखिए तो दैट इज मटोर क्या आउट क्रास ठीक है टॉल प्लांट का लीजिए या चाहे डोमिनेंट जीन वाले प्लांट के साथ दोनों बता दे रहा हूँ ठीक है देखिए दोनों से बैक जाके करा दे किसी से भी बैक जाएँ किसी से भी करा दें ठीक है कोई स्पेशल टारगेट ना हो ठीक है सो दैट इज कॉल बैक क्रास एक जनरेशन पीछे चलेंगे अगर इससे कराएंगे तो आउट क्रास अगर इससे इससे कराएंगे तो टेस्ट क्लास जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चों F1 वन क्रॉस विद द डॉर्फ प्लांट या बच्चों इसी कर सकते हैं रेसेसिव जीन के साथ रेसेसिव जीन भाई तो प्लांट सीड के अंदर रहा होगा ना बच्चों रेसेसिव जीन तो ये देखो आप ये इस तरह से ये तीनों क्रास होते हैं तो बैक क्रॉस एग्ज़ाम में आ जाए आपके एग्ज़ाम में क्या होता है मान लो कि एम पूछ दिया ये तीनों बना करके तीनों का जिक्र है दे आर मैंशनड इन सिलेबस बट टेस्ट क्रास तो बहुत अच्छे से है बैक क्रास भी बहुत अच्छे से है आउट क्रास का इन्होंने थोड़ा कम लिया हुआ है ठीक है ना लेकिन नाम इनका भी आता है कहीं कहीं आग लाइन मिल जाएगी आपको तो बच्चों अब अगले हम सिलेबस में अगले हम वीडियो में आपको टेस्ट क्लास बताएंगे क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में कई बार ये आया हुआ है ठीक है इसी साल कंपार्टमेंट कॉपी हम चेक कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले हम कर रहे थे तो टेस्ट क्लास के बारे में वहाँ पर आया था ठीक है वाट इज इट्स इम्पोर्टेंस ठीक है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है क्यों किया जाता है कैसे किया जाता है हम अब अगले वीडियो में इसी को पढ़ाएंगे ठीक है ना तो आप आपको ये जानकारी होगी आपका एम सी क्यू यहाँ से गलत नहीं होगा सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड आई होप कि आपको ये आ, समझ में आ गया होगा सो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय टेक केयर